हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि AIB 18 के रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग जो भी फ़ी पे करोगे, क्या वो रिफंडेबल है या नहीं है। तो ये जो डाउट है, इस डाउट को हम अपने आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि गाइस अपनी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको पहले फुलफ़िल कर लीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आप लोगों को सबमिट करने हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, वो अपना करा लीजिए। बिल्कुल जेन्युइन एंड रियल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने हैं, वरना फिर बाद में आप लोगों के रिजल्ट को आने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपने बिल्कुल जेन्युइन रियल वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड या फिर आप लोगों का जो भी फ़ोन नंबर है वो अपना ही डालें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके जीमेल पर वहाँ पर पहुँचता रहे आपके पास, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आप लोग फ़ी पे करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या वो रिफंडेबल है या नहीं है। तो गाइस देखिए, ये चीज़ जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को जाननी है। तो एक बार अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हो AIB एग्ज़ाम के लिए, तो गाइस वो जो फ़ी आपने पे की है वो कोई रिफंडेबल नहीं होगी, वो आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप लोग चाहते हो कि बाय मिस्टेक अगर आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो इनकेस, तो आप लोगों के पैसे आप तक पहुंच जाएंगे, रिफ़ंड हो जाएंगे या नहीं। तो गाइस ऐसा कोई भी प्रोविजन, ऐसा कोई भी इनके द्वारा नोटिफिकेशन या कुछ भी आज तक नहीं आया है कि आप लोगों की फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों की जो फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं होगी। तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझकर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ताकि आप लोगों को बाद में रिग्रेट ना हो, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि क्या अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है एग्ज़ाम में, उसकी फ़ी रिफ़ंड होती है या नहीं होती है, क्या कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, क्या उसकी फ़ी रिफ़ंड होती है या नहीं होती है, या कोई सेंटर पर ही नहीं पहुंच पाता है उसकी फ़ी रिफ़ंड होती है नहीं। तो इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर है गाइस, कोई भी फ़ी रिफ़ंडेबल नहीं होती है। खासकर AIB की बात करें, अगर आप लोगों ने एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, अपनी फ़ी वगैरह वहाँ पर पे कर लिया है, तो कोई भी वहाँ पर आप लोगों को फ़ी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज कोई छोटी मोटी तो यहाँ पर फ़ी नहीं लगती है, 3000 से ज़्यादा यहाँ पर फ़ी लगती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को पहले से ही अपना माइंड सेट करके रखना है कि हाँ, हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराना है, एग्ज़ाम सेंटर पहुंच के एग्ज़ाम देना है, और प्रिपरेशन भी इसी तरीके से करनी है कि आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ, ठीक है। बाकी और जो है, कोई भी अगर आप लोगों को इश्यू है, तो आप लोग हमारा एक चैनल है लॉन टिप्स के नाम से, वहाँ पर भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो और अपनी क्वेरीज को आप लोग शेयर कर सकते हो। तो देखिए गाइज, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कैन आई गेट रिफंड फॉर फ़ी पे फॉर द AIB फाइव अनेबल टू अपीयर फॉर इट। अगर आप लोग अपीयर नहीं हो पाते हो, या फिर विल फी द एडजस्टेड टू सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट्स, तो क्या आप लोगों की जो फ़ी आपने पे की थी वो नेक्स्ट AIB एग्ज़ाम में एडजस्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं होगी ये चीज़। आप लोग इसके भरोसे मत बैठिए। अगर आप लोगों को करना ही है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। कोई भी फ़ी जो है एडजस्ट नहीं की जाएगी, कोई भी फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। नो फीस वंस पे टूवर्ड्स द AIB एग्ज़ाम विल नॉट बी रिफंडेड और एडजस्टेड अगेंस्ट एनी सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट। BCA में हावेवर ऑफर सम कंसेशंस टू कैंडिडेट हु आर रिपीटिंग द एग्ज़ाम्स, द एग्जैक्ट डिटेल्स विल बी कन्फर्म्ड ऑन BCA ऑफिशियल। तो गाइज देखिए, मेन जो इसका कंक्लूजन है वो यही है कि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझ कर अपना माइंडसेट बिल्कुल ये बनाना होगा कि नहीं, हमें तो जो है अपना एग्ज़ाम देना है और हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये डाउट जो था वो क्लियर हुआ हो, तो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।